हेलीकॉप्टर क्रैश पर आई सबसे बड़ी खबर। ट्राई सर्विस जांच रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा। आखिर क्या हुआ था MI-17 के साथ? चीन की साजिश पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जनरल बिपिन रावत की मौत से जुड़े तार। दोस्तों, तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना मामले में सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। हमारे देश के चहेते जनरल बिपिन रावत जी, जिन्होंने चीन और पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा था कि भारत पहली गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अगर दुश्मनों की ओर से भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो भारत पीछे भी नहीं हटेगा। बिपिन रावत जी कितने खूंखार थे, कितने बेबाक थे और कितने बड़े फैसले लेने में माहिर थे, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जाने से कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को पाकिस्तान पर फोकस कम करने की बजाय चीन की तरफ करने को कहा था और चीन को भारत का दुश्मन नंबर एक कहा था। ऐसे में दोस्तों, अचानक हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत का चले जाना अपने आप में कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। सभी भारतीयों के मन में ये था कि आखिर इतना खूंखार ऑफिसर कैसे अचानक से अलविदा कह सकता है, जिसकी वजह से हमारे मन के अंदर कई सवाल उठे। उंगलियां उनकी तरफ भी उठी जो भारत की आन बान और शान को लेकर जलते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर बड़ी खबर आई है, जो न केवल बिपिन रावत जी के प्रशंसक, भारतीय सेना के शुभचिंतकों, भारत के देशभक्तों के लिए बड़ी है, बल्कि बिपिन रावत के दुश्मनों के लिए भी काफी ज्यादा मायने रखती है। क्या वाकई दुश्मनों को अब चैन की नींद आएगी या फिर उनकी नींद हराम होने वाली है, इस पर अब खुलासा हो गया है। दरअसल दोस्तों, हादसे के बाद जो जांच कमेटी बिठाई गई थी, ट्राई सर्विस जांच कमेटी मामले की जांच कर रही थी, उसने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें, इससे हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य जवानों का निधन हो गया था, जिसके बाद वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दिए थे। जांच दल का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं और इसमें सेना और नौसेना के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल है। दोस्तों, आपको पता ही है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य अधिकारी MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थी, जो हादसे का शिकार हो गया। ये सभी लोग वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जा रहे थे। यहाँ पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने पूरे देश को हैरानी में डाल दिया था। सेना के हेलीकॉप्टर की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे थे, साथ ही हादसे को लेकर तरह तरह की बातें भी कही गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में पिछले महीने हुए हेलीकॉप्टर क्रेश मामले में दोस्तों, वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगभग अब पूरी हो गई है। इस हेलीकॉप्टर क्रेश में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में वायुसेना का MI-17V5 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब दोस्तों, बड़ी खबर है कि वायुसेना प्रमुख को अंतिम रिपोर्ट जनवरी में सौंप दी जाएगी। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रेश की जांच को लेकर वायुसेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो हेलीकॉप्टर हादसे के संभावित कारणों में मानवीय या तकनीकी त्रुटि शामिल नहीं है। इसके मुताबिक इस तरह के हादसे तब होते हैं जब पायलट का ध्यान भटक जाता है या फिर वो स्थिति का ठीक अनुमान नहीं लगा पाए। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि पायलट अनजाने में किसी सतह से टकरा गया हो। ऐसी स्थिति को कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन कहा जाता है, यानी कि CIFT कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, यहां पर यह खुलासा हो गया है कि यहां तकनीकी और मानवीय गलती नहीं हुई है, यहां पर मामला कुछ और है। हालांकि अभी तो जो फाइनल रिपोर्ट है वो जनवरी मध्य या जनवरी आखिरी सप्ताह में आने की उम्मीद है। वहीं सूत्रों ने बताया कि CIFT का मतलब है कि हेलीकॉप्टर उड़ान के योग्य था और पायलट की गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में हो सकता है कि कुन्नूर इलाके में खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम हो गई हो, जिस वजह से यह हादसा हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो विश्व स्तर पर विमान दुर्घटनाएं होती है उसमें CIFT एक मुख्य कारण है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसी किसी भी संभावना से दोस्तों अब इनकार कर दिया है कि हेलीकॉप्टर में कोई भी तकनीकी गड़बड़ी थी। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी और ना ही यहां पर मानवीय कोई गड़बड़ी हुई है। हालांकि दोस्तों, इससे हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर बड़ी खबरें तब उठी जब हादसे में चीन का नाम सामने आया, क्योंकि बिपिन रावत जी ने खुले तौर पर चीन को भारत के लिए दुश्मन नंबर एक की संज्ञा दी थी, जिसके बाद चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर था।
हालांकि यह भी नामुमकिन सी बात है क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसा चीन से काफी दूर हुआ है। ऐसे में चीन से किसी भी प्रकार के हमले का अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस बात में तब नया मोड़ आया जब भारत के ही एक बड़े विशेषज्ञ ने इस शक की सुई को चीन की ओर एक प्रबल एग्जाम्पल के द्वारा घुमाया। लेकिन फिलहाल इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी पूरी तरह से लोगों के सामने इस प्रकार की रिपोर्ट को उजागर नहीं किया गया है, यानी कि सार्वजनिक रिपोर्ट को नहीं किया गया है। हालांकि दुर्घटना के बाद सामने आए षड्यंत्र के सिद्धांतों के मद्देनजर जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जाएगा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि लद्दाख के साथ जारी गतिरोध को देखते हुए चीन इस घटना को अंजाम दे सकता है। इनमें से कई साजिश के सिद्धांतों ने उल्लेख किया था जनवरी 2020 की शुरुआत में ताइवान के जनरल स्टाफ जनरल सेन ई मिंग और 7 अन्य लोग मारे गए थे। तब वे ताइपे के पास पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। सेन ताइवान की सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे और इसकी वायु सेना में एक प्रमुख व्यक्ति थे। दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर अमेरिका निर्मित UH-60M ब्लैक होक था, यानी कि दोस्तों बहुत ही उम्दा हेलीकॉप्टर है, बहुत ही ज्यादा तकनीक से लैस यह हेलीकॉप्टर था। अब दोस्तों भारत के प्रख्यात रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्म चेलानी उन लोगों में से थे जिन्होंने ताइवान दुर्घटना का उल्लेख किया था, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था जनरल रावत जी की मौत 2020 की शुरुआत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के साथ एक भयानक समानांतर है। यानी कि दोस्तों यहां पर ब्रह्म चेलानी ने जो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रेश हुआ और जो 2020 में ताइवान के जनरल का हेलीकॉप्टर क्रेश हुआ था उनको एक पुल की तरह उनको जोड़कर यहां पर यह बात लिखी है, जिसमें ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल सेन ई मिंग और 2 प्रमुख जनरलों सहित 7 अन्य लोग मारे गए थे। हालांकि दोस्तों इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह दुर्घटनाएं जरूरी रूप से जुड़ी हुई नहीं थी। चेलानी ने कहा कि अजीब समानांतर का मतलब यह नहीं है कि दो हेलीकॉप्टर क्रेश या बाहरी हाथ के बीच कोई संबंध था। कुछ भी हो, प्रत्येक दुर्घटना ने महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न उठाए हैं, विशेष रूप से शीर्ष जनरलों को ले जाने वाले सैन्य हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के बारे में भी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि घटना की जांच का आदेश दिए जाने के बाद ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है, जिससे कई तरह से अहम जानकारियां मिल सकती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी वर्तमान में दक्षिणी कोरिया की 4 दिवसीय यात्रा पर है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों ऐसे में उनके वापस आने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, इसलिए कहा जा रहा है कि रिपोर्ट हो सकती है बहुत ही जल्द। दोस्तों किसी दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट सबसे पहले सुरक्षात्मक मटेरियल को हटाकर बेहद सावधानी से कनेक्शन क्लीन करते हैं ताकि गलती से कोई भी जरूरी डेटा ना मिटे। इसके बाद ऑडियो या डेटा फाइल को डाउनलोड और कॉपी किया जाता है। हालांकि इसे डेटा से पहली बार में कोई जानकारी नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए रो फाइल्स को डीकोड करके एक ग्राफ तैयार किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के डेटा की जांच के लिए अधिकारियों के पास एक ऐसा कमरा होता है जो बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरह बना होता है। यहां 4 पैनलों के जरिए शोर को हटाते हुए जांच को अलग अलग किया जाता है। केवल मुख्य जांच अधिकारी ही उन चंद लोगों को आवाज के सभी स्टेप सुनने की इजाजत होती है जो जांच में शामिल है। टेप सुनने के बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों जो भी अपडेट आएगी इस हादसे को लेकर, जो रिपोर्ट आएगी उसके बारे में बहुत जल्द आपको बताएंगे। जब भी रिपोर्ट आएगी हाथों हाथ इस पर खबर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा।